आरक्षी अधीक्षक और कप्तान जो है मुफस्सिल थाने के सही सही जांच करें और उचित कार्रवाई करें। दूसरा बात जिला पदाधिकारी से कि आप प्रशासक हैं कोऑपरेटिव बैंक सिवान के और आपके अधीन जो कर्मचारी हैं प्रबंध निदेशक हैं एमडी हैं कोऑपरेटिव बैंक के जांच का रिपोर्ट अंकेक्षक पटना और जेआर छपरा से आज रिटेन में है और मैंने कंप्लेन किया है, इसकी इंक्वायरी भी हुई है। जिला पदाधिकारी को 711/31/2023 के पत्र से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के माध्यम से आया है, उनको कार्रवाई से परसेंट माने सिर्फ यादव होता है फॉरवर्ड माने राजपूत को हिसाब नहीं मालूम है ना, 85 या 10 95 ना होता है। आप ही के इंटरव्यू में बोले हैं कि 10% वाले लोग, तो 10% वाले अल्पसंख्यक होना कम संख्या होना क्या अभिश्राप? मनोज सिंह पे आरोप है कि 2 दिन पहले रामायण चौधरी पर आपने गोली चलवाया था, इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरी नीति क्या हो सकती है गोली चलवाने का, उनको मरवाना, लेकिन मैं ये सब काम नहीं करता। और जो गोली चलाने वाला है न हेलमेट पहना है न मास्क लगाया है, और जिस तरह से वो झाड़ू लगा रहे हैं वही संदेहास्पद है और गोली चलाने वाला भी संदेहास्पद है। ठीक है, ये उनके द्वारा प्रायोजित है। जो मारने वाला गया था वो भगा रहा था, वो मार नहीं रहा था क्योंकि ये वो उन्हीं का आदमी था, वो ओपन भी है, उनके सीसीटीवी कैमरे में है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया है, वो स्वयं पता करें, उनका तो तीनों पांचों जिला में उनका काम है, उनके लोग हैं, वो स्वयं पता करें कि किसने किया किसने कराया। लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं गंदी हरकत है और इसकी मैं निंदा करता हूं, उनके द्वारा किए गए आरोप का मैं खंडन करता हूं। अच्छा, मान लीजिए कि गोली चलवा रहे हैं, जैसे आपने बोला कि वो अपने ही तरफ से किए हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए कि आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे और आपका नाम क्यों बेचेंगे, आपका नाम मतलब क्यों लगाएंगे? यही कि वो 85% है, 15-10% वाले लोग डर जाएंगे, 10% वाले को डराने, 85% मतलब क्या है? और ये तो वही बताएंगे, 85% हम लोग हैं वो कर रहे हैं और 10% वाले लोग दबंगे दिखाते हैं। 95 ना हुआ, 5 हो रहे हैं, 5 वो खा गए हैं, उनका गणित गड़बड़ है, उनका एजुकेशन आपको पता कीजिए ना, मैंने 5% कहीं नहीं है, मैं 5% उनके पॉकेट में होगा, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, 5% खा गए, उनको हिसाब नहीं मालूम है ना, 85 या 10 95 ना होता है। आप ही के इंटरव्यू में बोले हैं कि 10% वाले लोग, तो 10% वाले अल्पसंख्यक होना कम संख्या होना क्या अभिश्राप है, या किसी को दबा दीजिएगा 85% नाम लेकर के? 85% माने सिर्फ यादव होता है फॉरवर्ड माने राजपूत होता है, 85% में 85 जातियां हैं। अपने पे कोई गोली क्यों चलवाएगा? ये तो वो बताएंगे ना भाई, हम क्यों उन पर चलवाएंगे, ये कारण हमको बताइए ना, इसका कोई कारण पुख्ता कारण बताइए। नहीं, कई दिनों से वाद विवाद में आप लोगों का मामला था कि इधर से टिप्पणी हो रही थी उधर से, ऐसे कई वीडियो भी आए थे ना सर कि कोऑपरेटिव का आप अध्यक्ष बनने को लेकर के, ये मैटर को देखते हुए आप लोग भी पहले से लफड़ा झगड़ा मतलब चल रहा था? कोई लफड़ा झगड़ा नहीं चल रहा था, कानूनी कार्रवाई हो रही थी। मैंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, सचिव कोऑपरेटिव, रिजर्व बैंक गवर्नर रिजर्व बैंक, जो भी संबंधित बैंक से संबंधित पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि आर्थिक अपराध शाखा के को भी मैंने उनके खिलाफ लिखा है, क्योंकि उन्होंने बैंक से 10 करोड़ रुपया अपने और अपने बेटा के नाम पर निकाले हैं, तो मैंने रिट दायर किया है माननीय उच्च न्यायालय पटना में। इसलिए वो घबराए हुए हैं क्योंकि उनकी इंक्वायरी भी हो चुकी है, वो दोषी भी करार दिए गए हैं, अपना ब्याज का पैसा माफ कर दिए हैं। कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष या निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य अपने या अपने निकटतम परिवार के सदस्य पर लोन नहीं ले सकता है, और लोन भी लिया गया है कानून का अवहेलना करके। हम जब कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे तो उनको 35 लाख लोन किए थे, उस 35 लाख के अगेंस्ट में उन्होंने 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ रुपया निकासी किया है अवैध, जिसमें वो फंस रहे हैं, ब्याज उन पर लगा जो माफ कर दिए हैं, 2 साल का उन पर ब्याज नहीं लगा है। ये सारे बातें रिटेन में है और मैंने कंप्लेन किया है, इसकी इंक्वायरी भी हुई है। जिला पदाधिकारी को 711/31/2023 के पत्र से
रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के माध्यम से आया है उन पर कार्रवाई करने के लिए, तो ये घबराए हुए हैं। अब उससे बचने के लिए व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं, मैं तो एक संस्था के चेयरमैन होने के नाते लगा रहा हूँ, उन्होंने जो गलत कमाई किया है, अपनी संपत्ति बढ़ाई है, उसके चलते मैं केस किया हूँ, और उसको दबाना चाहते हैं, हमको डरवाना चाहते हैं कि आप 10% हो, 5% हो तुम, हम 85% हो, तुम डर जाओ। सीधी सी परिभाषा है, आप तो समझ सकते हैं ना, 85 या 10 हम नहीं ना कहे हैं, वही ना कहे हैं, तो जो कम संख्या में रहता है उसको डरवाया जाता है। यानी 85 और 10 का ये आंकड़ा देखा कर क्या करना चाहते हैं, जैसे कि आपके कहने के अनुसार कि वोट बैंक को अपना अलग नहीं नहीं, नहीं वोट बैंक को नहीं, हमको डराना चाहते हैं, डराना चाहते वोट हैं। बैंक का अलग चीज है, वो हमको डराना चाहते हैं कि तुम 10 हो, हम 85 हूँ। तो क्या आप डर गए? तो डरे हुए हैं, अब केस करेंगे तो हम डरेंगे नहीं। अच्छा ये तो बातें हो गई है ना, लेकिन मान लीजिए कि हर आदमी का अलग अलग व्यूवर्स है, हमारे भी जो व्यूवर्स है, तो अब जो आपको इस वीडियो में देखेंगे वो लोग पहली बार अगर सुनते हैं या उनको सुने हैं, ये पूरा मामला क्या है शुरुआत से जरा एक बार बता दीजिए कि क्यों आखिर आप पे वो मैंने बता दिया कि उन्होंने अवैध निकासी कोऑपरेटिव बैंक से किया है अपने और अपने बेटे के नाम पर। वो अपने बेटा को बड़हरिया प्रखंड के कुड़वा से अध्यक्ष बनाए हैं, जबकि वो निवासी हैं बड़रम के, बड़हन के, जो सीवान सदर में पड़ता है। तो एक आदमी जो लोन लेता है, बरहन गोपाल रामायण चौधरी का बेटा कुंदन कृष्णा राज, जो अपना पता देता है, अपना आधार देता है, अपना जमीन देता है बरहन के नाम पर, और अपने बेटा वही कृष्णा राज बड़हरिया प्रखंड के कुड़वा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष होता है, ये कैसे होगा? वो आदमी अपने बेटा के नाम पर लोन कैसे कर सकते हैं, अपने नाम पर लोन कैसे ले सकते हैं बैंक से? आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जिसका उल्लंघन है, कोऑपरेटिव का नियम का उल्लंघन है कि चेयरमैन या डायरेक्टर कोई ले नहीं सकता है। यानी आपके कहने के अनुसार आपने ये आवाज उठाया तो आप पे ये जी बिल्कुल हमको दबाने के लिए, तुम विड्रॉ कर लो, तुम रिट मत करो, तुम हाईकोर्ट मत जाओ, कंप्लेन ना करो, तुम 10% हो, इसके लिए हमको दबाया जा रहा, जबकि वो भ्रम में है, 85 में 85 जातियां हैं, 85 में 85 जातियां, ऐसा थोड़ा है कि वो अकेले हैं। उन्हीं वही जो कहते हैं वो मसीहा हुए हैं, सिवान के अभी माननीय विधायक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और बिहारी चौधरी, क्यों नहीं उन पर कोई ढेला ईंटा चला दिया आज तक, पत्थर लाठी, कि उन पर गोली चलेगा? उनसे लोकप्रिय है वो, लोकप्रियता की बात करें, दुश्मनी की बात करें, तो वो तो लगातार 15 साल 20 साल रहे हैं, फिर इधर हैं, तो उन पर कोई लाठी डंडा क्यों नहीं गोली चलाता है कि उन पर चलाएगा रामायण चौधरी पर? बहुत पॉपुलरिटी हो गई है उनकी, पॉपुलरिटी का क्या पैमाना है? अच्छा अंत में प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? देखिए अंत में नहीं, सबसे पहले अंत में नहीं मांग करेंगे, सबसे पहले मांग करेंगे कि जिले के कप्तान हैं हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय, और जो इस केस के आयु होंगे, जिन्होंने FIR किया है उस केस के आयु होंगे, उनसे अपील करेंगे कि आप निष्पक्ष होकर जांच कीजिए, 1 महीना का फुटेज उनके घर का निकालिए कि वो क्या क्या रूटीन उनका क्या रहा है, वो लोग जो मारे हैं उसके पहले उनके घर पर गए हैं कि नहीं गए हैं, उस अपराधियों को पकड़े जो गोली चलाए हैं, पकड़ करके दूध का दूध और पानी का पानी करें। दूसरी बात कि किसी भी सभ्य समाज में गोली बंदूक का कहीं स्थान नहीं होता है, और किसी को बदनाम करने से बदनाम नहीं होता है, लेकिन छवि के ऊपर आँच आती है जरूर, हम इसके भुक्तभोगी हैं, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आप लोग के माध्यम से कि आरक्षी अधीक्षक और कप्तान जो है मुफस्सिल थाने के सही सही जांच करें और उचित कार्रवाई करें। दूसरा बात जिला पदाधिकारी से कि आप प्रशासक हैं कोऑपरेटिव बैंक सिवान के, और आपके अधीन जो कर्मचारी हैं, प्रबंध निदेशक हैं, MD हैं कोऑपरेटिव बैंक के, जांच का रिपोर्ट अंकेक्षक पटना और JR छपरा से आ चुका है, जो दोषी हैं, जो कर्मचारी प्रेशर में, चेयरमैन के प्रेशर में उनके लोन को सैंक्शन किए हैं, जो MD नहीं किया लेकिन नीचे के कर्मचारी उनके डर से, उनके बंदूक के नोक पर जो उन्होंने इंटरेस्ट मार्क कराया है, चेयरमैन पर सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए।